डिस्काउंट मिला है 11,260 का। अभी देखो फ्लिपकार्ट से बुक कर रहे हैं, 67,133 इसकी प्राइस है, ठीक है, फाइनल पड़ रही है। लेकिन जब वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल ही नहीं है तो डीलर कैसे देते भाई। अभी अभी डिलीवरी लेकर आया हूँ HF डीलक्स की, और आ गया हूँ मैं महिंद्रा के शोरूम पर एक बड़ी SUV बुक करने। भाई अभी मैं आया हूँ हीरो के शोरूम पर, और मैं यहाँ पर एक बाइक लेने आया हूँ HF डीलक्स, ठीक है, जिस पर काफ़ी अच्छा अभी डिस्काउंट चल रहा है। आज रामनवमी है, आज मैं बाइक उठाने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट पर मुझे SBI पर 11,250 का डिस्काउंट मिल रहा है। आइए देखते हैं ये प्रोसेस जो है किस तरीके से होती है। ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए, यदि आप अपने लिए फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कोई भी बाइक जो है परचेज़ करना चाहते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। भाई इस गाड़ी को सिलेक्ट किया है HF डीलक्स, अभी देख लेते हैं इसको, कुछ इसमें स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। फुल ब्लैक चाहिए, और मैं आपको दिखा दूँ स्केट के इसमें टायर है और इंग्लिश टायर है, बिल्कुल नई मैनुफैक्चर्ड है। 19/10/23 और आज 23 तारीख है, 4 दिन पुरानी है। ऑडोमीटर है अभी 00007, नई मैनुफैक्चर्ड है, बिल्कुल बैटरी एमरोन की। गाड़ी की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट सेल्फ लग रहा है भाई अपनी बाइक में। नहीं है सेकेंड अटेम्प्ट में स्टार्ट हुई है। अभी मैं इसकी टेस्ट राइड ले रहा हूँ भाई, जो मैंने ब्लैक वाली सिलेक्ट करी थी, ठीक है, उसमें थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह हैं तो पापा का मन नहीं होता है, और यहाँ पर और भी कलर खड़े हुए हैं तो पापा को पूरी पूरी ब्लैक जो है पसंद आ रही है। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट से आप किस तरीके से कोई भी हीरो का प्रोडक्ट जो है कैसे परचेज कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट की थी ब्लैक कलर की HF डीलक्स, जो कि फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं थी। मैंने वहाँ बोला डीलरशिप पर कि मुझे ब्लैक कलर की ही HF डीलक्स चाहिए और मुझे डिस्काउंट के साथ में चाहिए। लेकिन जब वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल ही नहीं है तो डीलर कैसे देते, तो बीच का रास्ता उन्होंने निकाला, अपने अधिकारी ऑफिसर वगैरह लोगों से बात की, GM सर ने, ठीक है, अपने लिए स्पेशली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ जो सॉल्यूशन निकला था वो ये निकला था, दो गाड़ियाँ आती हैं HF डीलक्स में, एक तो i3S आती है, एक नॉन i3S आती है, और जो ब्लैक वाली है वो नॉन i3S और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है। तो बीच का रास्ता ये निकाला कि आप नॉन i3S को बुक कर दीजिए फ्लिपकार्ट से, एंड जो ब्लैक वाली है वो उससे थोड़ी सी महंगी है, लगभग 1,500 रुपये, तो वो आप मुझे एडिशनल पे कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे तो बाइक चाहिए। तो हुआ ये कि फिर मैंने नॉन i3S को बुक किया। आइए अब मैं आपको बुक करने की पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ और किस तरीके से आप उस पर एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो वो बताता हूँ। अभी देखो फ्लिपकार्ट से बुक कर रहे हैं, 67,133 इसकी प्राइस है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बाइक को सिलेक्ट कर लिया नॉन i3S, एंड उसके बाद में यहाँ पर मैंने सेलर को सिलेक्ट किया है। इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिस शोरूम से आप उठा रहे हो वो शोरूम, वो डीलर जो हैं, सेलर जो हैं, वहाँ पर देखने चाहिए। उसके बाद में ऐड टू कार्ट मैंने कर लिया, बाय नाउ कर दिया, एड्रेस और अपना नाम, जिस नाम से आप ले रहे हो वो वही डालें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड उसी के साथ साथ ये देखिएगा, कुछ 10 रुपये इसमें सुपर कॉइन के मेरे कट रहे हैं, उसको मैंने ऐड कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। एंड उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास में 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, SBI, HDFC एंड एक्सिस। ये देखिए सभी पर डिस्काउंट शो कर रहा है, अलग अलग डिस्काउंट हैं। SBI पर मुझे 11,250 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, एंड उसके बाद में जो 2 और कार्ड हैं उन पर 9,500 का डिस्काउंट मिल रहा है। CVV डाल के मैंने फाइनल पेमेंट कर दिया, OTP आ गया, एंड OTP डालने के बाद फिर मैंने फाइनल सबमिट कर दिया। ये देखिएगा मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो गया है फ्लिपकार्ट से। अब यहाँ पर जो मेरी डिलीवरी डेट दिखा रहा है वो 9 नवंबर के आसपास दिखा रहा है, और आज है 23 अक्टूबर। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन यानी कि 9 नवंबर को ही शोरूम पर जाएं या फिर अपने घर पर आने का वेट करें। अगर आप चाहें तो इंस्टेंट, मैंने ये शोरूम पर बैठे बैठे ही ऑर्डर किया है, एंड उसके बाद में सेलर के पास में मेल आ जाएगा, आप वहाँ से रिसिप्ट निकलवा लीजिए, वो खुद ही निकाल देंगे, आप उनको ऑर्डर नंबर वगैरह दिखा दीजिए, ठीक है।
ये जो 55,922 की जो मुझे ये बाइक पड़ी है वो एक्स शोरूम में पड़ी है। इसमें RTO इंश्योरेंस एंड जो एडिशनल चार्जेस और भी होते हैं एसेसरीज वगैरह के, वो मुझसे और भी अलग लगेंगे। वो मुझसे टोटल लगे हैं लगभग 16,000 रुपए के आसपास। तो ये बाइक जो है ऑन रोड मुझे पड़ी है लगभग 72,000 रुपए के आसपास, 72,000। डिस्काउंट मिला है 11,260 का। फाइनली अपनी बिलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई है। तो भाई अपनी बाइक जो है डिलीवरी के लिए रेडी हो गई है। 1 किलोमीटर से चली, बड़ी वाली चाबी आ गई है। फर्स्ट टाइम फ्यूल, फर्स्ट टाइम पेट्रोल। भाई अभी अभी डिलीवरी लेकर आया हूँ HF डीलक्स की, और आ गया हूँ मैं महिंद्रा के शोरूम पर एक बड़ी SUV बुक करने। एक दिन में 2 बड़े धमाके, स्कॉर्पियो N, इसकी आज बुकिंग लगाने आया हूँ महिंद्रा के शोरूम पर। ब्लैक कलर, Z6 ऑटोमेटिक डीजल, ये रही वो गाड़ी जो कि मुझे यहाँ पर देखने को मिल गई है। काफ़ी अच्छी बात है। अलॉयज में नहीं आते हैं, अलग से लगवाने पड़ेंगे, तो कोई नहीं। अच्छा इसमें लोग क्या है क्रोम अलग से लगवाते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसमें क्रोम बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगा, हालांकि साइड में जो है लगवा लूँगा। पापा देखते हैं, अभी ये करा लूँगा। और अलॉय जो है मैं 18 इंचेस का डलवाऊंगा विथ 80 टायर, ऑटो टेरेन टायर जो आते हैं ना थार वाले, फुल मॉडिफाई भी कराऊंगा स्कॉर्पियो N को, बिल्कुल Z6 से Z8 बना दूंगा, Z8 L बना दूंगा। फाइनेंस की डिटेल ले रहा हूँ अभी। तो फाइनल बुकिंग की तरफ अपन चल दिए हैं, स्कॉर्पियो N, Z6, स्कॉर्पियो N, Z6 ऑटोमेटिक ब्लैक। तो फाइनली मैंने बुकिंग ले ली है स्कॉर्पियो N Z6 ब्लैक ऑटोमेटिक। सत्रह साल बाद मेरे घर में कोई नया व्हीकल आया। लॉक कर क्या? कदर है भाई, कदर है। लॉक क्या करने सती हो ना? मैं सती यार बनी, बस बिंदी लगा दी। ऊपर निकाल लेना। नहीं नहीं चढ़ाए दो।